तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इंड तक देखिएगा क्योंकि कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न की ओर और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है तो राइट आंसर उसी की उत्तरी रेलवे की जो लंबाई हो जाती है वो बहुत ज्यादा है अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आ, हो जाएगा जो कि मुंबई में स्थित हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा एंड स्टेंट आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की बात किया जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में आप सभी के रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था एंड यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन सारे वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए आप आप लोग देख पा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन लोगों के लिए इसलिए लाया गया क्योंकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ध्यान दीजिएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं अगला प्रश्न है की ब्रांड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है 1.67 मीटर होती है 1.67 मीटर होती है अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी तो 34 किलोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी तो भारत में पहली रेल की बात करें तो बंबई से थाने तक चली थी अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी यानी कि भारत में पहली बार बात करें कि मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता एंड जिस क्वेश्चन में आप सभी को पहली बार कि फर्स्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग स्टार के लिखेगा क्योंकि ऐसे के एग्जाम में पूछे जाते चलिए अगले प्रश्न को और बात करते अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे जॉर्ज स्टीफेंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का विल एंड एक्सल एक्सल प्लांट कहाँ है इसका जो प्लांट है कहाँ पर हो जाएगा तो बेंगलोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कह कर रहे कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था तो भारत भारत में रेल के आरंभ की बात करें तो अठारह में भारत में रेल के आरंभ किया गया था अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत की के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर बात करते कौन सा रेलवे स्टेशन है तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप सभी को क्लास और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आप को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आपसे क्लास कैसा लग रहा है ठीक है ना तेरह नंबर प्रश्न की भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो भारतीय रेलवे रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करते तो 1950 में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है यानी कि भारत में सबसे दूरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी जो कि डिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है ठीक है ना अगला प्रश्न है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है तो डेकन क्वीन क्वीन हो जाएगी क्वीन जो कि कल्याण से कल्याण से पुणे तक चलती है अगला प्रश्न है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी उन्नीसो उन्नीस सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल की बात करें तो पीर पंजाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है तो गोरखपुर हो जाएगा अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है तो मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल चलती है चलिए अगले प्रश्न को बात करते भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है तो मेघालय में, में आपको किसी प्रकार के रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलेगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते ट्वेंटी वन नंबर प्रश्न आप सभी को स्टैंड यहाँ पर पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा करें कि भारतीय रेल का अश्लोकन क्या है भारतीय रेल के अश्लोकन की बात करें तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा अगला करें कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है तो भारतीय रेलवे की संग्रहालय की बात करें तो चाणक्य पूरी चाणक्य पूरी नई दिल्ली में हो जाएगा अगला प्रश्न रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो बरो बरोडा में हो जाएगा बरोडा अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रांड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है तो काजीगुड़ हो जाएगा भारत की की के किन दो रेलवे स्टेशन के बीच है यहाँ पर का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा ट्वेंटी फोर नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्दिक रेलवे लाइन मुंबई में बा, बांद्रा और आंध्रे के बीच अंधेरी के बीच सात समानांतर लाइनें हैं जो कि सबसे अधिक है अगला प्रश्न भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ की बात करें किसके द्वारा किया गया था तो लार्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था लार्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है कि रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ पर है रेल सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद मुंबई कोलकाता भोपाल और चेन्नई में स्थित हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते ट्वेंटी सेवन नंबर है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है तो विश्व में बात करें भारत किस स्थान पर है तो चौथे स्थान पर हो जाएगा अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ी चलाने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है तो कानपुर हो जाएगा प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है ठीक है ना ये सारे प्रश्न स्टेंट आपसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है ना तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग यहां पर स्क्रीन शॉट के साथ अपने क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है तो फेयर क्वीन भारत में हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करें थर्टी नंबर है कि भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन कौन सा है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे में झार सुबुड़ा के पास ईब स्टेशन तथा गुजरात के आनंद गोधरा के बीच स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है तो भारतीय रेल हो जाएगा अगला प्रश्न भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बटी गई है तो भारतीय रेल की बात करें कितने क्षेत्रों में बटा गया है? तो सत्रह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते थर्टी फोर नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी तो भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रैल अठारह में पहली बार रेल चली थी अगला प्रश्न है भारत की पहली रेल कहाँ चली थी तो मुंबई से थाने की बीच चली थी आप सभी को पता होगा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था जॉन मथाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबे नाम वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है तो श्री वेक्टर आ, श्री वेक्टर वेक्टर न, आ, पर सिहान जुवा रिपेटा हो जाएगा जो कि दक्षिणी रेलवे में हो जाएगा इसका नाम इतना बड़ा है यार ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न को और बात करते अगला प्रश्न सभी का थर्टी एट नंबर कि भारत में समुद्री तल से ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है तो धूम हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व का कौन सा स्थान है तो चौथे स्थान पर हो जाएगा भारतीय रेल रेल नेटवर्क का एशिया कौन सा है तो यह दूसरे स्थान पर हो जाएगा अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था आ बीस आ बीस में में प्रथम रेल चली थी 1825 में की बात है में ऐसे आप लोग जवाब देंगे यहां पर में पूछा गया है तो 1825 में जो कि इंग्लैंड में चली थी पहली बार अगला प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है तो समझौता व थार एक्सप्रेस हो जाएगी अगला प्रश्न है भारत में सबसे तेज गति तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो खड़गपुर हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते सिक्सटी फोर नंबर की भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा पूर्व उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है मेघालय भारतीय रेलवे बजट सामान्य बजट से कब अलग किया गया था तो 1824 में इसको अलग किया गया था अगला प्रश्न भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ और कहा हुआ था कब और कहा हुआ था अठारह से अठारह कोलकाता में किया गया था और पहली बार मेट्रो यहीं से चालू हुई थी ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे रेलगाड़ी कौन सी है तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी अगला प्रश्न भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था तो उन्नीस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है इन टी ग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है तो पेर यानी कि चेन्नई में हो जाएगा अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है तो हुसैनपुर कपूर थाला में हो जाएगा अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री का स्थापना उन्नीस में पैलेक्स ऑन व्हील की तर्ज पर तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेकन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है तो महाराष्ट्र में अगला प्रश्न है कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है पश्चिमी घाट भारतीय रेलमार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतकरण है तो थर्टी थर्टी प्लस थर्टी परसेंट हो जाएगा अगला प्रश्न भारत में कितने प्रकार के मार्ग है तो तीन प्रकार के अगला प्रश्न रेल पथ के ब्रांड गेज की लंबाई एक पॉइंट सिक्स सेवन मीटर हो जाएगा भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी उन्नीस सौ में भारत का पच्छीम्... कौन तो ओखा, हो जाएगा। ओखा अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्व रेल रेल रेलवे स्टेशन कौन सा है तो लीडो हो जाएगा अगला प्रश्न भारत का व्यस्तम व्यस्तम रेल लाइन रेलवे स्टेशन कौन सा है तो हावड़ा हो जाएगा अगला प्रश्न उत्तर भारत का सु आ, सुदूर आ, सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है तो बारा मुल्ला हो जाएगा अगला प्रश्न भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कौन सा है तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा रेलवे रेलवे जंक्शन कौन सा है तो मथुरा यहां सात हो जाएगा अलग अलग दिशाओं में गाड़ी का परिचालन होता है अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर हो जाएगा इसका एक मीटर हो जाएगा अगला प्रश्न भारतीय रेलवे रेलवे में, में सर्वप्रथम आई एसओ उ नौ सौ एक से दो हजार सर, आ, सर्टिफिकेट हो जाएगा यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न है कि प्राप्त करने वाले यहां पर यार कुछ क्वेश्चन में गलत यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर इग्नोर करते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में शार्वजनिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा हो जाएगा अगला प्रश्न विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेकन क्वीन हो जाएगी कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन फेरी हो जाएगा जो कि अभी फिलहाल चलती हुई हालत में है अगला प्रश्न है भारत का व्यस्तम उप, नगरीय रेलवे स्टेशन कौन सा है तो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा अगला प्रश्न है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है तो लार्ड डलहौजी का हो जाएगा अगला प्रश्न भारत में रेलवे जोनो तथा रेलवे डिवीज़नों की संख्या कितनी है तो सत्रह रेलवे जोन और तो सड़सठ डिवीजन हो जाएंगे अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी है तो तेरह पॉइंट ट्वेंटी एट लाख नियमित कर्मचारी है अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड बोर्ड है तो उन्नीस हो जाएगा अगला प्रश्न रेलवे बजट सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया उन्नीस सौ चौबीस में अगला प्रश्न है कि भारत में भूमिगत रेलवे रेल कहाँ कहा चली तो कोलकाता दिल्ली व बेंगलुरु बेंगलुरु में चली अगले प्रश्न को और बात करते और यहाँ पर को लास्ट प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभकर शुभांकर क्या है तो भोगु भोलू भोलू गार्ड के रूप में गज हरी वाली लालटेन उठाइए उठाए, उठाए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी तो 16 अप्रैल अठारह सौ तिरपन को मुंबई से थाने के मध्य चली थी तो आज के क्लास को स्टैंड यही तक एंड करते हैं आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेलाइकन को प्रेस कर तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन और आप सभी के जीएस के कुछ क्वेश्चन और जीके के कुछ क्वेश्चन ये सारे प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है और आप सभी को मैं गारंटी देता हूँ कि डायरेक्टली ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग इंड तक जोड़ देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी का कि ग्रेमी अवार्ड 2024 में वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है तो राइट right आंसर हो जाएगा सभी का दिस मोमेंट्स हो जाएगा दिस मोमेंट्स आप सभी का राइट आंसर हो, right हो जाएगा और आप सभी भी जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में करेंट अफेयर्स काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाएगा आप सभी के एग्जाम में की बात कैसा है ऐसे कोई भी एग्जाम की बात कैसा है तो वहां पर करेंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और आज की इस क्लास में करेंट अफेयर्स के साथ साथ जी और जी तीनों का क्लास तीनों क्वेश्चन कंबाइन लिया गया ठीक है ना चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि छा वार्षिक ग्रेमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा मिड नाइट्स टेनर आ, टेलर स्विफ्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है तो ऋतु बाहरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टैंड आप सभी का अगला प्रश्न है कि इस साल सुरक्षित इंटरनेट विकास इंटरनेट विकास दिवस किस दिन को मनाया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 6 फरवरी को मनाया गया है और ये सारे प्रश्न आपसी के लेटेस्ट ये क्वेश्चन है तो काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए ठीक है ना अगला प्रश्न है कि इस साल भी ब्रांड ब्रांड इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है तो मुकेश अंबानी की बात करें इंडेक्स 2024 स्थान में तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं ठीक है ना चलिए और यहां पर आप सभी को सारे प्रश्न वन लाइनर देखने को मिलेगा और वन लाइनर क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये होता है कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक है ना वन लाइनर में ये फायदा होता है आप सभी को कि बहुत जल्द क्लास को हम लोग रिवाइज करा देंगे याद करा देंगे ठीक है ना अगला प्रश्न है कि भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक डॉ जाकिर हुसैन हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है तो ग्रेमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है ग्रेमी अवार्ड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का सेवन नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है अभिनव बिंद्रा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है यानी कि कौन सा राज्य आप सभी के शीर्ष पर रहा है तो महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं नाइन नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक जी आई एस डेटा सेंटर की की स्थापना तो जी आई एस डाटा सेंटर की स्थापना की बात करें तो अयोध्या में किया गया है जो कि सरयू नदी के किनारे हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते टेन नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला मानव ए, ए डीएनए बैंक बनाया गया है तो पहला डीएनए बैंक बनाया गया कहां पर उत्तर भारत में ठीक है ना तो वाराणसी आप सभी का राइट right आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चलिए ग्यारह नंबर प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो ये चार फरवरी को मनाया जाता है और मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आप सभी के लिए सिक्सटी प्लस क्वेश्चन लिया गया है और आप सभी को मात्र दस से पंद्रह मिनट में इस सब सारे क्वेश्चन को कवर अप करवा दूंगा ठीक है ना तो यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस चार फरवरी दो का विषय क्या है तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का अगर विषय की बात किया जाए तो केयर गैप को बंद करना गैप गैप को बंद करना इसका ये मोटो था विषय था चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं तेरह नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो सोनू शुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे

हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है तो सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आ, आ, यहां पर दर्जा दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टेंड अगला प्रश्न है सभी का कि हाल ही में हाल ही में किस देश का पहला सेटेलाइट कैंपल कैंपस कहाँ विकसित किया है थ्री सेटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है तो उज्जैन आप सभी का राइट right आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री की बात करते हो आप सभी का चंपई सोरेन हो जाएंगे चंपई सोरेन आप सभी का राइट right आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का

चलिए अगले प्रश्न को और बात करते उन्नीस नंबर प्रश्न है कि भारतीय वायु सेना द्वारा वायु शक्ति शक्ति फोर का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ये वायु शक्ति ट्वेंटी फोर आयोजन की बात करें एक्सरसाइज की तो ये जैसलमेर में किया जाएगा जैसलमेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्रा, प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन हुए हैं तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी जी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं टी आर ए आई का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अगला प्रश्न का कि हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन अपेरा पैरा डाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा है और ये आप सभी के करंटली पुस्तक लिखा गया तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी राइट आंसर हो जाएगा रोमेश रोमेश भट्टाचार्य भट्टा चार हो जाएंगे ठीक है ना भट्टाचार्य जी चलिए अगले प्रश्न को और बात करते ट्वेंटी टू नंबर प्रश्न है करें कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक दो में कौन सा शीर्ष पर रहा है तो डेनमार्क हो जाएगा सभी का चलिए अगले प्रश्न कर बात करते हैं कि अंतिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है तो रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़ हो जाएगा अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तो पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं ट्वेंटी फाइव नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कह है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है कह है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है तो जय शाह को फिर से नियुक्त किया गया है जय शाह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है तो आपसे पेमेंट बैंक हो जाएगा अगला प्रश्न है कि किस ये क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है अगला अगले प्रश्न बात करते हैं अगला प्रश्न है सिक्स नंबर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश की आ, कर चुकी हैं जो कि सीता निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बजट को पेश किया जाता है तो अब तक कार्यकाल के समय में कितना बजट को पेश कर दी हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिक्स बजट को अभी तक पेश किए ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है तो सूरत हवाई अड्डा को हवाई अड्डा को एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है अगला प्रश्न है कि विश्व आद्र भूमि दिवस वर्ल्ड हेल्थ लैंड हेल्थ लैंड्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है 2 फरवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी तो अयोध्या में हो जाएगा अगला प्रश्न है कि में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम प्रथम स्थान हासिल किया है यानी कौन सा जो झांकी था जो कि 2024 के परेड गणतंत्र गणतंत्र दिवस के परेड में वो झांकी में प्रथम स्थान को हासिल किया था तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी जो कि पहले स्थान पर स्थान प्राप्त किया था अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी दो में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है एक करोड़ बहत्तर यहां पर, यहां पर हो जाएगा, जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा एक लाख बहत्तर हजार बहत्तर हजार एक सौ उन्तीस करोड़ रुपया हो जाएगा इतना तक इसका जीएसटी कलेक्शन पहुंचा हुआ है ठीक है ना अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस ये तो हो गया था क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हो गया था ये क्वेश्चन बाकी है करे हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो तमन तन्मय अग्रवाल हो जाएंगे चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं सभी का थर्टी थ्री नंबर है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कारित किया गया है तो ट्वेल्थ फेल को किया गया है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में ट्वेल्थ फेल को दिया गया है ठीक है ना अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने तो अर्नाल्ड हो जाएंगे